हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक्सी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कलाइडोस्कोप का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देख रखा तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। चलिए सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लियो एक बार चोरी के कारण जेल गया था और अपनी टीम के साथ छोटी मोटी चोरी करता था। लियो के साथ स्टैन भी था और स्टैन जेल में सिम कार्ड बेचने का काम किया करता था। ये काम वो चोरी छुपे करता था। इस बात पे बाकी कैदी नाराज होते थे क्योंकि वो उनको सिम कार्ड नहीं बेचा करता था और वो स्टैन को मारते थे। कई बार लियो आके स्टैन को बचा लेता है। लियो को कांपने की बीमारी होती है जिसके लिए वो हमेशा डॉक्टर के पास जाया करता था। एक दिन स्टैन सब कैदियों के लिए खाना बनाता है पर उसमें कुछ केमिकल मिला देता है जिससे सबको हंसी आने लगती है। लियो मौका देखकर डॉक्टर की गाड़ी से भाग जाता है पर स्टैन नहीं भाग पाता। वैसे भी स्टैन 6 महीने बाद जेल से निकलने ही वाला था। लियो एवा के पास चले जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है और वहां से अपनी बेटी के पास चले जाता है। और लियो की बेटी अब SLS कंपनी में काम करती है और लियो अपनी बेटी से 17 साल बाद मिल रहा था। और लियो की बेटी लियो से नाराज होती क्योंकि अपने डैड की वजह से उसकी मां मारी गई थी। हम अब्बासी नाम की इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एवा से पूछताछ करती है क्योंकि अब्बासी को एवा पर शक होने लगता है क्योंकि लियो एवा के पास आया होगा। पर अब्बासी को कुछ पता नहीं चलता और वो वहां से चली जाती है। एक बार लियो ने जेल में अपनी बेटी को लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि रॉजर एक बुरा आदमी है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग चोरी करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और लियो बताता है कि जहां हम चोरी करेंगे वहां पर ऐसी मशीनें हैं जो रॉजर ही खोल सकता है और ये मशीनें हमारे कदम को भी महसूस कर लेती हैं और ये मशीन हमारे टेम्परेचर को भी देखती हैं और कोई छोटी मोटी दिक्कत भी तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। लियो रॉजर के घर में जाता है। रॉजर उस रात पार्टी में गया होता है। वो घर में जाने के बाद उसके वाइन ग्लास से उसके फिंगर कलेक्ट कर लेता है। अब लियो के पास रॉजर के फिंगर प्रिंट होते हैं पर लियो को रॉजर की आंख का स्कैन भी चाहिए होता है, जिसके लिए स्टैन डॉक्टर बनकर रॉजर के पास जाता है और एक आंख का स्कैन कर लेता है क्योंकि रॉजर की एक आंख में दिक्कत होती है। इसी तरह ये रॉजर की आंख का भी स्कैन ले लेते हैं। लियो सबको बताता है कि कुछ दिनों बाद एक तूफान आने वाला है जिससे गटर में पानी भर जाएगा और जो कंपनी का लॉकर है वो गटर के नीचे है, इसलिए हम गटर को तोड़कर लॉकअप में पानी भर देंगे जिससे सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे जिससे हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। स्टैन रॉजर की तरह एक मास्क तैयार कर देता है और सब चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं और तूफान भी आ जाता है। चोरी करने से पहले हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि अब्बासी का एक छोटा सा बेटा है जिसे वो अपने पास रखना चाहती है। पर अब्बासी पहले बहुत नशे करती थी इसलिए अब्बासी को सुधरने के लिए एक मौका दिया जाता है जिससे अब्बासी FBI को ज्वाइन करती है जहां पर अब्बासी अच्छा काम करती है। एवा ने अपनी टीम के लिए एक अपार्टमेंट लिया होता है और अपार्टमेंट SLS कंपनी के पास होता है। लियो की टीम ने जब डायमंड चोरी किया था तो अब्बासी को लगता है कि एवा ने ये डायमंड चोरी किया है, इसलिए अब्बासी एवा को पुलिस स्टेशन बुलाती है पर अब्बासी को कुछ नहीं पता चलता और लियो की टीम पूरी बिल्डिंग का मैप बनाती है और अब्बासी एवा पर नजर रखने लगती है और अब्बासी देखती है कि एवा से मिलने बॉब आता है जिससे अब्बासी को लियो की टीम के बारे में पता चल जाता है कि लियो की टीम चोरी करने वाली है और बॉब स्टैन को मारता है और चोरी करने से पहले लियो की टीम में झगड़ा हो जाता है। अब्बासी लियो की टीम का सच जानने के लिए एवा का पीछा करने लगती है पर एवा क्लब में जाके अब्बासी की जेब एक पैकेट डाल देती है। वो पैकेट नशे का होता है इसलिए पुलिस वाले अब्बासी को पकड़ लेते हैं, जिसके लिए अब्बासी को उसके बॉस काफी डांटते हैं। पर अब्बासी बहुत चलाक होती है और वो एवा की मदर का यूज करके एवा से जानकारी जानना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। एवा अपनी मदर को छुड़ाने के लिए जानकारी बता देती है लेकिन जो जानकारी एवा ने अब्बासी को बताई हुई होती है वो अब्बासी को नहीं पता कि ये सच है या झूठ। अब्बासी एवा की मदर को छोड़ देती है। फिर हम 24 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो एक घर में जाकर चोरी करने लगता है, तभी वहाँ रॉजर आ जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि रॉजर और लियो पहले एक साथ चोरी करते थे। लियो अपने घर आ जाता है जहाँ पर लियो की वाइफ होती है और लियो की वाइफ को ये नहीं पता होता कि लियो चोरी करता है। चोरी किया हुआ सामान उसको ला के देता है। लियो चोरी छोड़ना चाहता था, वो चोरी छोड़ भी देता है। पर 8 महीने बाद एक दिन रॉजर लियो के पास आता है और कहता है कि हम एक आखिरी चोरी करने वाले हैं एक होटल में जहाँ डायमंड चोरी करेंगे, जिस पे लियो मान जाता है और चोरी करने को तैयार हो जाता है। रॉजर होटल में आग लगा देता है और लियो को पता चलता है कि उसकी वाइफ अंदर है, इसलिए लियो अपनी वाइफ को बचाने चले जाता है। यहीं पर रॉजर भी होता है पर रॉजर सारे डायमंड लेके वहां से चले जाता है। इसी बात से लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और जिसके कारण आग लगने के कारण लियो की वाइफ मर
जाती है। फिर लियो हॉस्पिटल आ जाता है, वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को लियो पर शक हो जाता है कि लियो ने डायमंड चोरी किया है। लियो अपनी बेटी को एवा के पास छोड़ देता है और लियो जेल चले जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि लियो की टीम ने चोरी कर ली होती है, पर लियो की टीम में बस 3 लोग हैं और बाकी लोगों का लियो को भी पता नहीं है। रॉजर को भी पता चल जाता है कि उसकी कंपनी में चोरी हो गई है। जब रॉजर के पास पुलिस आती है तो रॉजर बोलता है कि मेरी कंपनी में चोरी नहीं हुई है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। स्टैन बताता है कि मेरा चश्मा वहाँ पर रह चुका है जहाँ हमने चोरी की थी, और अब ये चश्मा रॉजर को मिल जाता है, जिससे रॉजर को पता चल जाता है कि जो डॉक्टर आया था उसने मेरे एक आँख का स्कैन लिया आया था। और अब्बासी को पता चल जाता है कि लियो और रॉजर के बीच में कोई कनेक्शन है, और रॉजर स्टैन के घर पर एक आदमी को भेज देता है, जिससे उस आदमी को स्टैन की लोकेशन पता चल जाती है, पर स्टैन के घर वाले मारे जाते हैं। और लियो के पास एवा गाड़ी लेकर आ जाती है, पर एवा घायल हो जाती है और पहले सब चेक करती है कि बॉन्ड सही है या नहीं। इन्हें पता चलता है कि बॉन्ड सही है, पर बाद में पता चलता है कि बॉन्ड के नीचे पेपर है, जिससे सब दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे पे गन पॉइंट कर देते हैं। वहां पर रॉजर के लोग आ जाते हैं जो कि इन सब पे गन पॉइंट कर देते हैं और पूछते हैं कि बॉन्ड कहाँ पे है, पर लियो की टीम को खुद पता नहीं होता कि बॉन्ड कहाँ पे है। तभी वहाँ पे लियो आके अपनी टीम को बचा लेता है, रॉजर की टीम को मार देता है, और वो सब यहाँ से पोर्ट से चले जाते हैं। अब्बासी फिर से रॉजर की कंपनी में आकर लॉकअप को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि जो डायमंड कुछ साल पहले चोरी हुआ था वो उस लॉकअप में है, जिसकी वजह से वो रॉजर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस चोरों को ढूंढ रही होती है। तभी हम बॉब को देखते हैं जो जेल में होता है, वहीं पर रॉजर भी होता है, और बॉब बोलता है कि मुझे जूडी और स्टैन चाहिए और मुझे जो पैसे मिलेंगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और बॉब को लगता है कि स्टैन सारे पैसे ले गया, और बॉब लियो को मारने के लिए 2 लोगों को हायर किया होता है। और लियो के पास स्टैन का फोन आता है और बोलता है कि मैं एक दुकान पर चोरी का सामान बेचने आया था, पर मुझे पहचान लिया गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बॉब लियो के घर आ जाता है, पर घर पे एवा होती है, और बॉब एवा को पकड़ लेता है और लियो को बुलाने को बोलता है। एवा लियो को बुलाती है, जिससे लियो आ जाता है और बॉब को पैसे देता है, जिसपे बॉब स्टैन और जूडी का एड्रेस पूछता है, जिसपे लियो बॉब को एड्रेस बता देता है, और बॉब स्टैन और जूडी के पास चले जाता है। पुलिस वालों को स्टैन के बारे में पता चल जाता है कि स्टैन कहाँ है, और पुलिस वालों को बॉब मिल जाता है, और पुलिस वाले बॉब को मार देते हैं। यहाँ पर जूडी और स्टैन बच जाते हैं, और घर पर लियो और एवा छूटने की कोशिश करते हैं, पर बॉब का आदमी वहाँ होता है और एवा को मार देता है, और जूडी को बॉब की गाड़ी मिल जाती है जिसमें पैसे होते हैं। जूडी सोच रही होती है कि मैं स्टैन के साथ रहूं या अकेले रहूं। लियो आखिरी बार अपनी बेटी को कॉल करता है, यहाँ लियो को पता चलता है कि एना का एक बच्चा भी है। लियो जेल में रॉजर से मिलता है और बोलता है कि तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, और तुम उस दिन मेरी वाइफ को बचा सकते थे, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लियो जा रहा होता है, तभी कोई आकर लियो को मार देता है। फिर हम वो दिन देखते हैं जहाँ पर सब चोरी करने जा रहे होते हैं, और जूडी गटर के अंदर चली जाती है, और बाकी सब SLS कंपनी में चले जाते हैं, जहाँ पर सब पहले सारे गार्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं, उनका कार्ड लेकर डोर ओपन करते हैं और उस मशीन के पास पहुँच जाते हैं। अंदर जाने से पहले स्टैन मधुमक्खी डाल देता है, जिससे मशीन कन्फ्यूज हो जाती है, और लियो अंदर जाकर रॉजर के मास्क से डोर ओपन कर देता है, और जूडी गटर के अंदर ब्लास्ट कर देती है, जिससे लॉकअप पर पानी भर जाता है, और बॉब और स्टैन मिलकर लॉकअप को खोलने लगते हैं, और उस लॉकर में बॉन्ड के बहुत सारे बॉक्स होते हैं जिन्हें उठाकर ऊपर भेज देते हैं। और एवा अब्बासी को मैसेज करके बोलती है कि सातवीं मंजिल पर चोरी हो रही है। अब्बासी वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि एवा ने झूठ बोला था। तभी अब्बासी को बहुत सारे कंप्यूटर मिलते हैं, और इन्हीं कंप्यूटर ने SLS कंपनी के कैमरे को जाम किया होता है, और अब्बासी इन्हीं कंप्यूटर के तार निकाल देती है, जिससे रॉजर को पता चल जाता है कि उसकी कंपनी में चोरी हो रही है। तब तक लियो की टीम ने सारे बॉन्ड निकाल लिए होते हैं, और एना इन्हीं सारे बॉन्ड को एक खाली बॉक्स में रख देती है, और असली बॉक्स में पेपर भर देती है। इन्हीं पेपर वाले बॉक्स को एक ट्रक में रख देते हैं, और बॉब लालची होता है और सारे बॉन्ड अकेले ले जाने चाहता था, जिसपे आरजे बॉब को रोकता है, पर बॉब आरजे को मार देता है। ये सब स्टैन देख रहा होता है, और बॉब स्टैन को भी मारना चाहता था, पर जूडी बॉब को बेहोश कर देती है, और स्टैन और जूडी वहां से चले जाते हैं। और एवा बाहर आकर देखती है तो पूरी टीम टूट गई है, और एवा बॉन्ड लेकर वहां से जाने लगती है। वहाँ अब्बासी आ जाती है और एवा पर फायरिंग करने लगती है, पर एवा वहाँ से चली जाती है। और लियो के पास एना आ जाती है, जिसपे लियो एना को जाने को बोलता है, जिसपे एना मना करती है। और लियो अपने आखिरी काम कर रहा था कि जो हार रॉजर और लियो ने 25 साल पहले चोरी किया था वो रॉजर ने लॉकअप में रख देता है, और इसी हार के कारण रॉजर जेल में है, और यहाँ पर ये सीजन खत्म हो जाता है।